श्लोक का अर्थ है कि जितना प्रयोजन उदपाने एक छोटे से ताल तलैया में रहता है उस व्यक्ति का, जिसने सागर में स्नान किया हो, तो उसे छोटे से ताल तलैया का क्या महत्व रह जाएगा? कोई महत्व रहेगा? जिसको रोज सागर में स्नान करने को मिलता हो, उसे ताल तलैया में स्नान करने का क्या महत्व रहेगा? कोई महत्व नहीं। जैसे तुम बच्चों को फर्स्ट क्लास मुरली मिलती है, कोई को सेकेंड क्लास टैप रिकॉर्डर से मिलती है, फिर कोई को थर्ड क्लास मुरली मिलती है कागज से पढ़ने की सुनने की। तो जिनको फर्स्ट क्लास मुरली आए दिन मिलती रहती है, उनके लिए थर्ड क्लास मुरली की क्या आवश्यकता रह गई? कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं। और कौन पहले है, कौन बाद में है? प्रजापिता पहले, ब्रह्मा बाद में। उनमें बीज कौन है? प्रजापिता। तो बीज में से पत्ते कितने निकलते? से पहला पत्ता ही निकलता है, और भी तो निकलते हैं। टोटल कितने निकलते हैं? हैं? अरे 500-700 करोड़ पत्ते निकलते हैं ना, इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा 500-700 करोड़ का बाप है। वो प्रजापिता ही रौद्र रूप धारण करता है, रुद्र है। शिव को रुद्र नहीं कहेंगे, रुद्र साकार है, शिव निराकार है। और नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर। ये पंखा बंद करते। हाँ जी, अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, बनारस से जीता और बनारस को विश्व विख्यात बना रहा है। बनारस से बनारस को विश्व विख्यात बना रहा है। हाँ, तो बेहद की बनारस हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान का, मनन चिंतन मंथन का बना बनाया रस कहाँ से मिला? हैं? मिला ना? वो तो भक्ति मार्ग का बनाया हुआ बनारस है, जहाँ स्थूल गंगा मिलती है। जो बेहद की गंगा है वो कहाँ जा कर के मिलती है? वहीं जा कर के मिलेगी जहाँ से वरुणा नदी निकली है, वरुणा प्लस असी, दो शब्द मिलकर के काशी नगरी बनती है। तो वरुणा नदी जहाँ से मिलती है गंगा नदी को, वहाँ से वरुणारसी नदी के किनारे वाराणसी नदी, वो शहर का नाम पड़ गया। और है?
हिंदी से संस्कृत कोई तारीख की हो आप बताइए क्या बात है। अभी जगदम्बा ओम राधे ब्रह्मा में पाठ बजाए। अभी ऐसे बोला है वीसीडी नंबर वेरिफिकेशन 1724। हाँ तो जिस समय ब्रह्मा भी जीवित थे मम्मा भी ओम राधे जीवित थी उस समय बताया कि जो जगदम्बा आदि में थी वो जगदम्बा असली थी और ये टाइटल धारी है। जैसे असली ब्रह्मा कोई आदि में और था प्रजापिता ब्रह्मा और उसका टाइटल दादा लेखराज ब्रह्मा को मिल गया तो नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा। उनके द्वारा चलाई हुई संस्था का नाम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रखा गया। तो ऐसे ही ओम राधे ये बाद में आई उनको भी पढ़ाने वाली जो थी उसका नाम था जगदम्बा। जो जगदम्बा ने पढ़ाई उसी का विस्तार बाद वाली ओम राधे ने किया। तो ओम राधे में जगदम्बा ने प्रवेश करके पाठ बजाया। उसका तो 47 से 66 तक है। 47 से 66 तक तो हमारे भाव बैठ गया ना। जैसे भाव बैठ जाता है तो साक्षात्कार हो जाता है। कोई हनुमान थोड़े ही आ जाता है कोई गणेश थोड़े ही आ जाता है। वो भाव बैठा हुआ है गणेश का हनुमान का तो ऐसे आवेश हो जाता है बुद्धि में। और मैंने देह अभिमानी बना दिया है तो महादेव का बच्चा पार्वती का बच्चा देवी देवताओं का बच्चा आत्मा अभिमानी होनी चाहिए कि देह अभिमानी होना चाहिए हैं? आत्मा अभिमानी था फिर उसका क्रोध देख करके उसको वैसा ही बना दिया। इतना अहंकार कि अपने बाप को ही भूल गया। और अब साईं बाबा ने शरीर छोड़ दिया अब विवाद चल रहा है। अब विवाद चलने से क्या फायदा उनके सामने नहीं विवाद चलाया। एक होता है हद के माँ बाप जन्म बाई जन्म मिलते रहे वो हो गई सामान्य बाप और एक है बेहद का माई बाप जो हमारे जन्म जन्मांतर का माई बाप भी है माई बाप का भी माई बाप। तो तुमको कौन सा मिला अभी? तो बेहद का माई बाप की बात मानेंगे या हद के माई बाप की बात मानेंगे? और एक ही 1857 भारत छोड़ आंदोलन हुआ था अब तक कोई शूटिंग नहीं हुई। हाँ भारत में क्या हुआ था? भारत छोड़ आंदोलन चलाया था। हाँ वो तो इसमें भी आता है ना संगम। हाँ तो अभी संगम की शूटिंग कहाँ हुई है? धीरज धर मनुआ धीरज धर सब होगा। हाँ उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी चाहिए।
बार बार निद्रा आती है, बार बार उसे भगाना। जैसे बार बार माया आती है, बार बार उसे भगाते, तो बार बार भगाते भगाते आखिरी क्या होगा, भागी जाएगी। बाबा में जो प्रजापिता ब्रह्मा से पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? हाँ, समंदर का पानी मीठा नहीं है? समंदर खारा भी है, कई जगह समंदर का पानी मीठा भी है। जो गल्फ स्ट्रीम धारा आ रही है वो मीठा पानी भी है, ऐसे नहीं हर जगह खारा है। खारों दुनिया में खारों की संख्या ज्यादा है या मीठे लोगों की संख्या ज्यादा है, लक्ष्मी नारायण जैसे? तो समंदर को कैसा होना चाहिए? खारों के लिए खारा और मीठों के लिए मीठा। आपको खारा ज्यादा लगता है? और जी, जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो एक 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 बल हनुमान जी की मूर्ति दिखाते हैं और एक बल गणपति की मूर्ति। हाँ, इसका क्या कारण है? क्योंकि टाइम टू टाइम उन्होंने अपना अपना पार्ट बजाया है। हनुमान ने सूरज को खा लिया था ना बचपन में, वो कब का पार्ट है? हैं? कैसे? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा वाली आत्मा ने जो ज्ञान सूर्य था, जिसको पहले पहले भगवान ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान सूर्य का प्रभाव नष्ट कर दिया कि नहीं? हैं? नष्ट कर दिया। तो जैसे के खा लिया, ऐसे ही जैसे दिखाते हैं महाकाली ने शंकर को खा गई। खा गई का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा भी टाइम आता है जब महाकाली जगत पिता के प्रभाव को समूल नष्ट कर देती है, जैसे खा गई। जैसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं खसम खाऊनी, अपने खसम को खा गई, विधवा हो गई। हाँ, नारद जी ने बोला है कि कलयुग में केवल नाम आदर है, कीर्तन करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने बोला, हाँ? नारद जी तो अक्सर भगवान को डायरेक्ट मिलते, नारद जी का तो भगवान से कॉन्टेक्ट था ही। हाँ? फिर भी वो ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कैसा क्यों कहा? ये नारद जी ने कहा क्या? नारद जी ने थोड़ा ही कहा, ये तो कवियों ने कहा, और नारद जी के मुख से कहलवाया। तुमने क्या समझा? नारद जी ने कहा। और हाँ, चौसठ में क्या हुआ है? हाँ, उसका क्या हुआ? हाँ, अरे नेहरू जी का जन्म पहले हुआ या तुम्हारे बेहद के नेहरू जी का जन्म पहले हुआ है?
स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे तो वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो शुरुआत उसी समय से हुई जब महारानी लक्ष्मीबाई कूदी। 1857 से पहले ही आग लग चुकी थी, लेकिन वास्तव में ये स्वतंत्रता संग्राम पूरा कब हुआ? ४७ में, वो तो हद का था। बेहद का स्वतंत्रता संग्राम कब पूरा हुआ? जब नेहरू गद्दी पर बैठा है। बेहद का स्वतंत्रता संग्राम कहे जब लक्ष्मीनारायण का जन्म हुआ। लक्ष्मीनारायण का जन्म कब हुआ है? 1976 में हुआ ना। तो 1976 में कहेंगे नेहरू गद्दी पर बैठा। क्या हाँ वेद का नेहरू जयप्रकाश नारायण के नाम रूप में आ गया। अंत में फेल इस आधार से होगी कि सारे संसार का जब अंत कर दिया तो अंत करने के बाद दुख पैदा होगा कि नहीं होगा? और फेलियर दुखी होता है या पास होने वाला दुखी होता है? फेलियर दुखी होता है। और जहाँ मगरमच्छ ज्यादा पैदा होते हैं और मगरमच्छ गंगा यमुना में ज्यादा होते हैं, वो गंगा और यमुना का जो बीच का प्रदेश है वो मगध देश कहा जाता है। तो मगध देश में नहीं आता हूँ, गंगा और यमुना के बीच का जो प्रदेश है भक्ति मार्ग में, काशी में शंकर का निवास, अयोध्या में राम का जन्म और मथुरा में कृष्ण का जन्म, ये तीन ही भगवान के रूप में दिखाए जाते हैं। इसलिए बोल दिया कि मैं मगध देश में आता हूँ, उनका गायन ये गंगा यमुना के दुआबे में दिखाया जाता है। और ब्रह्मा कुमार हो करके, ब्रह्मा कुमार माने भाई और ब्रह्मा कुमारी माने बहन, दोनों ब्रह्मा की संतान, तुम भाई बहन हो करके ऐसा संकल्प क्यों करते हो कि विनाश हो जाए बहनों का? अरे ज्ञान भक्ति और वैराग, तो भक्ति जो है वो फीमेल है, ज्ञान मेल है। भगवान आते हैं तो पहले पहले प्रवेश किस में होता है? हैं? नहीं, पहले ज्ञान सुनाते हैं, सुनते हैं या समझते हैं या समझाते हैं? ज्ञान सुनने सुनाने के लिए होता है या समझने समझाने के लिए होता है? समझने समझाने का काम पहले किया
या सुनने सुनाने का काम पहले किया? पहले किया तो पहले भक्ति को उठाया ना। भक्ति करना है, भक्त नहीं होंगे तो ज्ञान कैसे समझेंगे? ज्ञान की फिर कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग कहा जाता है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति की बातों से वैराग आ जाता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारियों का विनाश नहीं, हमारा जो विनाश हुआ पड़ा है उसका उद्धार कैसे हो? हैं? हमारा विनाश हुआ पड़ा है, सदगति हुई पड़ी है कि दुर्गति हुई पड़ी है? हमारा क्या हुआ पड़ा है? दुर्गति तो उनका विनाश क्यों चाहते हैं? और हनुमान ने हिमालय से एक पर्वत उठाकर लंका में रखा है, वो संजीवनी बूटे के लिए, उसका क्या अर्थ है? कौन से लंका में? पहाड़ का मतलब है ऊंची स्टेज। कोई पहाड़ से नहीं संजीवनी बूटी उठाई। जब याद की आप ऊंची स्टेज में उड़ेंगे तो आपके अंदर मनन चिंतन मंथन की संजीवनी बूटी निकल पड़ेगी। वो मनन चिंतन की मंथन की संजीवनी बूटी आपकी स्टेज को ऊंचा उठाएगी। आप मरे हुए से क्या होने हो जाएंगे? जागृत अवस्था में आ जाएंगे। लक्ष्मण शरीर की मौत मरा था या अनिश्चय की मौत मरा था? हैं? अनिश्चय बुद्धि की मौत मरा था। वो अनिश्चय बुद्धि की मौत जो मर जाते हैं उनके लिए आप याद की ऊंची स्टेज में जाकर के उनको जागृत करने की संजीवनी बूटी उनको सुंघा सकते हैं। शास्त्रों में अर्थ का अनर्थ कर दिया है। और चौरासी जन्म चौरासी जन्म वो लेते हैं जो आत्मिक स्थिति में लगातार टिक जाते हैं। लगातार टिक जाने के कारण वो पूरे 84 जन्म लेते हैं सृष्टि के एकदम आदि से। जो पूरे नहीं टिकते हैं वो एक दो जन्म कम होते जाते हैं, बिल्कुल नहीं टिकते हैं तो कलयुग के अंत में जाके जन्म लेते हैं। गीता में ऐसा भी लिखा है कि जो 84 जन्म है आप लोग याद नहीं चलने वाले, लोगों को याद आते रहेंगे तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो याद करें, स्मृति आनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ, स्टार हूँ, और ये स्मृति हर समय रहना चाहिए। सोते बैठते चलते उठते हर समय याद रहेगी तो हमारी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। फिर जब शरीर छोड़ेंगे तो भी अंत मते सुगति हो जाएगी। और भक्ति मार्ग में पति पत्नी सात जन्म तक साथ रहे। क्यों माना जाता है? क्योंकि सतयुग में साथ रहना अच्छी बात है ना, है? तो राधा कृष्ण के जीवन में अगर राधा सतयुग के पूरे साथ आने वाले जन्मों में मिलेगी तो उनका जन्म सफल हुआ या असफल हुआ? है त्रेता में तो फिर भी दो कलाएं कम हो जाएंगी, खुशी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन सतयुग में तो कुछ कम होने वाला नहीं है। इसलिए सात जन्म बोले जाते हैं। और कहाँ की तरफ? पश्चिम बंगाल की तरफ। क्या करते हैं?
जीव अपनी जीव लीला करके आवाज निकल, जैसे शंख बजाते कोई भी शुभ कार्य हो शादी ब्याह में, ऐसे माता करना कुछ जीव लीला करके आवाज निकलती है। कौन कहते हैं? किससे? ऊपर से आवाज आई आपके मुंह के अंदर से आवाज आई? माता करना है अपनी जीव मुंह के अंदर कुछ मिला कर आवाज निकालती है। आपने किससे सुना? हाँ, वहाँ शादी में गए, शादी में ये देखा कि मुंह से जीभ मिलाकर आवाज निकलती है। बिना जीभ मिलाए आवाज कैसे निकलेगी? अरे छोड़ो, भक्ति मार्ग की बात है। और बनारस की गंगा के लिए काफी बड़ा अभियान चल रहा है, करोड़ रुपए पास भी होगा गंगा की सफाई के लिए, जड़ गंगा के लिए बड़े अभियान चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी गंगा की सफाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? है ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे टेली होगा भाई? अरे नरेंद्र मोदी बेहद की दुनिया में है किसका पार्ट? है कहाँ से पैदा हुआ? गुजरात से पैदा हुआ। जो गुजरात से पैदा हुआ है उसका नाम भले बेहद में तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन बेहद में नरेंद्र मोदी कौन हुआ? शंकर का पार्ट है या नहीं? तो शंकर जी जिसे गंगा गंगा को अपने सर पर धारण करना है वो ऐसी मैली मैला ही रहेगी क्या? है उसे 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 गंदा ही सर के ऊपर धारण कर लेगा क्या? कीचड़ काचर शुद्ध बना के रखेगा ना। इसीलिए तो पहले अच्छा लगा, फिर अभी महंगी हो रही तो उनको बुरा भी लगे। हाँ जी, हाँ जी, लगने दो। उसको अभी लग रही है अच्छा। और बना बनाया ड्रामा है, है? ज्यों का त्यों चलता है, है? इसका शूटिंग होता है ना? हाँ, फर्स्ट का सवाल ही नहीं, बार बार हूबहू ज्यों की त्यों शूटिंग होती है, फर्स्ट और लास्ट की बात ही नहीं। और क्यों नहीं मिलता है? अनजाने में भी हो जाता है तो अलर्ट क्यों नहीं रहे? वो तो बच्चा बुद्धि है, जैसे ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं था। हद की पवित्रता क्या है और बेहद की पवित्रता क्या है, तो उनको उतना थोड़ा ही पाप लगेगा। बच्चों को सजा कम दी जाती है या बड़ों के बराबर सजा दी जाती है? उनको सजा कम दी जाती है क्योंकि बुद्धि का विस्तार नहीं है। और अभी जो पुरुषार्थ करते हैं वो 5-4 वर्ष के बाद ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा ही पुरुषार्थ जितना आपने किया है, जितना आपको अभी याद है इस जन्म का, वैसा ही पुरुषार्थ करेंगे। अब आने वाले समय में आप बढ़िया से बढ़िया चेंज कर लीजिए। पास्ट हुआ को याद नहीं करना, इस जन्म में जो पास्ट हुआ बीता सो बीता। बनाते हैं
चैतन्य जितना जड़ जितना भी प्रत्यक्ष हो गया, लेकिन सूर्यवंशी माँ का तो हम सूर्यवंशी माँ का तो जड़ चैतन्य कौन सी माँ का सूर्यवंशी माँ का जैसे पांच अरे पहले विष्णु को तो क्लियर हो जाने दो। जो विष्णु के बाहर हैं, विष्णु के पार्ट के बाहर हैं, अव्वल नंबर विष्णु की परंपरा में नहीं है, उनका तो बाद में बात होगी ना। है उनका पार्ट नहीं है भक्ति मार्ग में, पोजीशन ऊंचे ही है, तो वो ऊंची पोजीशन जगन्नाथपुरी में दिखाई है ना, नहीं दिखाई है? ध्यान नहीं है? अरे कौन कौन सी मूर्तियां वहां दिखाई जाती हैं? 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 सुभद्रा। हाँ सुभद्रा दिखाई जाती है ना, तो वो कौन है सुभद्रा का पार्ट? उनकी बहन है ना, रुद्रमाला में जो अव्वल नंबर मणका है उसकी बहन का पार्ट किसका है? रुद्रमाला में भाई भाई है या भाई बहन है या स्त्री पुरुष का संबंध है? हैं? भाई भाई है, भाई बहन है। और ब्रह्मा को ब्रह्मा एक है कि ब्रह्मा अनेक के नाम है? अहो ब्रह्मा एक का नाम है या ब्रह्मा अनेक के नाम है? हाँ, जैसे नंबर के ब्रह्मा, जैसा जैसा पार्टधारी ब्रह्मा, वैसा वैसा विष्णु बन जाता है। विष्णु कोई एक आत्मा का नाम है या चार भुजाओं का कॉम्बिनेशन है? भुजा माने आत्मा या कोई स्थूल भुजा? आत्मा है कोई सहयोगी, तो चार सहयोगी आत्माओं में कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटियस है, कोई ऊपर की भुजा है, कोई नीचे की भुजा है, कोई फिर उन भुजाओं को चलाने वाली आत्मा है, तो ये सब मिलकर के विष्णु का रूप बनता है। विष्णु कोई एक नहीं है, विष्णु तो चार का कॉम्बिनेशन है, माँ बाप और दो बच्चे, शत्रु की आज की परंपरा, हम दो हमारे दो, उन चारों का कॉम्बिनेशन है, उन चारों को कमान चलाने वाला देवदेव महादेव। और पार्वती ने प्रश्न पूछा महादेव जी ने, बड़ा महादेव जी ने राम कौन है, तो महादेव जी ने उस प्रश्न पर ऐसा किया कि आप समान को एक उपकार ही नहीं और धन्यवाद दिया महादेव जी ने पार्वती को। रहस्य यही है कि जो महादेव है वो वास्तव में महादेव नहीं है, वो शिव है। क्या इस प्रश्न से साबित होता है कि जो महादेव है वही राम वाली आत्मा है?
जहाँ टीवी में आप देखते हैं महादेव, वो महादेव नहीं है। कौन सी आत्मा का पार्ट है? शिव का पार्ट है। और इस तरह की बात पार्वती जैसी श्रेष्ठ आत्मा ही पूछ सकती है। शिव को याद करना है, जैसे बाबा पूछते हैं किसकी गोद में आए हैं, तो जो अज्ञानी है वो कहेंगे हम ब्रह्मा की गोद में आए। ब्रह्मा तो देह अभिमानी फेल हो गए। जो कहते हैं हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो पास, क्योंकि उनकी बुद्धि में आत्मा याद है सर्वश्रेष्ठ, जो परम पिता है वो याद है। जो पतित बनता है, जो पावन बनता है, पावन से पतित बनता है, इस चक्कर में आता है, उसको नहीं याद, याद करते। हम कौन सी आत्मा को याद करते? जो सदैव पावन है, एवर प्योर है। और भारत है सबसे बड़ा खंड है। बड़ा माने महिमा में बड़ा है, एरिया में बड़ा नहीं है। एरिया में तो और भी दूसरे महाद्वीप हैं, बड़े बड़े देश हैं जो बड़े बड़े हैं, लेकिन जितनी भारत की महिमा है उस महिमा के मुकाबले किसी की भी महिमा नहीं है। क्योंकि भारत में स्वर्ग बनता है, सुख की दुनिया बनती है, और सभी देशों में टोटल 100% सुख की दुनिया कोई भी देश में नहीं बनती। दुर्लभम भारत जन्म है, दुर्लभम भारत जन्म है। भारत में जन्म दुर्लभ है, माना जो देव आत्माएं हैं वो ही भारत में ज्यादा जन्म लेती हैं, और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होके चली जाती हैं, और धर्म में जाके कन्वर्ट होती हैं, वहां जाकर के जन्म लेती हैं। तो स्वधर्म निधनम से या पर धर्म वो भयाव, तो दूसरे धर्म में जाके जन्म लेती हैं, वहाँ उनको दास दासी बना के रखा जाता है, ये तो घाटे का सौदा हो गया। इसलिए अपने देश में जन्म लेना ये बड़ी बात है। और पार्वती पूछती है कि आपको सारी दुनिया याद करती है, हाँ किसको याद करती है? सारी दुनिया आपको याद करती है, हाँ तो आप किसको याद करती है? वही तो कहते हैं जो हमको ज्यादा सहयोग देता है हम उसको याद करते हैं। सेवा आते हैं तो शिव को इस दुनिया में सबसे जास्ती सहयोग कौन देता है? राम वाली आत्मा देती है, तो राम शिव को याद करते हैं, शिव राम को याद करते हैं। और एक गुप्त मत सब कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। तो शिव शंकर को मिलाई दी, एक कर दिया, वो उनकी महिमा करेंगे, वो उनकी महिमा करेंगे। याद हमारी प्राण है, लक्ष्मी है, छोटी माँ से पहले तो सुखी की अपने को नहीं आई है, लक्ष्मी की आत्मा छोटी माँ, हाँ से पहले तो सुखी की अपने को नहीं आएगी, मैं भगवान ने रंगमंच पर अभी नहीं है। अभी तो है ना, आएगी क्या, वो तो है ही। कौन से सन में आएगी? वो तो बता नहीं दिया। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चों के बीच में अव्वल नंबर बच्चा कौन है?
अव्वल नंबर जोड़ी कौन सी है? लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण कब रंगमंच पर आकर के प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं जो सबकी आंखों में दिखाई पड़े? वो पता नहीं है, भूल गए थे। अच्छा, बाबा हमारे से किसी के साथ खराब बिहेव हो जाता है, हमारा किसी के साथ खराब बिहेव हो जाता है और हम उससे वो खराब व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांग नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए? बाबा की याद में रह करके ये संकल्प करना चाहिए कि वो हमसे आके माफ़ी मांगे। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से आ पूछे बता तेरी रजा क्या है। और अंदर ही अंदर हमको फील बहुत होता है, तो क्या करना चाहिए? और वो याद आता रहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बताओ क्या करना चाहिए? पढ़ करके बस। ओम शांति।